जहाँ पूजा करते हैं मंदिर में लोग पैसे चढ़ाते हैं, तो वहाँ से पैसे उठा के आटा लाती थी, बच्चों को रोटी बना के देती थी। इवन कि अपने मायके में मेरे भाई हैं, मैंने उनको भी कभी इस चीज़ नहीं बताया, क्योंकि खुददारी शुरू से थी, मरना मंजूर था, किसी के आगे हाथ फैलाना मंजूर नहीं था। इवन के बच्चों को दूध भी नहीं देती थी। और मेरी इस बच्ची ने छोटी उम्र में ट्यूशंस पढ़ाई, साथ जाकर सवेरे जाती थी स्कूल, फिर कॉलेज गई, सुबह जाती थी 6 बजे 7 बजे घर आती थी, थकी हुई आती थी, वो सैनिक कॉलोनी होम ट्यूशन देती थी, मेरा साथ देती थी। मेरे पास मेरी इतनी इनकम नहीं थी, पर उस भूख का समय भी हमने आशिया देखा, मंदिर से पैसे उठाना, फिर रोटी बनानी, 3 या 4 फुलके मतलब टोटल बनने, एक एक फुलका ही खाना, मुश्किलें बहुत आती हैं। पर ये ऊपर वाले का शुक्रिया है कि कई लोगों की दुआएं हैं, गरीबों की, जो आज मेरी बेटी ने पहचान दे दी है, मेरे को नहीं बल्कि हर उस औरत का जात को जो अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए प्यार, त्याग, समर्पण करती हैं। रश्मि शर्मा, रश्मि शर्मा एक ऐसा नाम है जिसे पत्रकारिता की दुनिया में लिया जाता है, लेकिन अब रश्मि शर्मा का नाम जो है वो उनकी बेटी के नाम से है, यानी कैप्टन हंसजा रश्मि शर्मा। रश्मि शर्मा की बेटी ने जो है एक ऐसा कारनामा किया, और बहुत ही प्राउड है हमें कि हम इनके साथ जो है वो उठते बैठते हैं, क्योंकि इनकी बेटी ने जो है वो पहली बार अगर भारत की बात करते हैं सिल्वर चीता ट्रॉफी को अपने नाम किया, और ये कोई छोटी बात नहीं है, बहुत प्राउड मोमेंट है, और पहली बार इंडिया की कोई वुमेन ऑफिसर ने इस ट्रॉफी को अपने नाम किया है। लेकिन मैं एक लाइन को यहाँ पर कोट कर दूँ, ये सिंगल मदर है, इन्होंने अपनी बेटी की परवरिश खुद की है, और इनकी बेटी ने आज दिखा दिया कि जब माएँ अपने बच्चों के पीछे होती है ना, यानी रीढ़ की हड्डी या बैकबोन बनती है, फिर बच्चे आसमानों को छूते, और इनकी बेटी ने आसमानों को छूते छूते अपनी उड़ान जो है वो भर ली है। सबसे पहले मैम आपको बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू आशिया, और आपके जो बुलेटिन के जितने भी व्यूअर्स हैं उनको भी धन्यवाद, और आशिया आपने मौका दिया मुझे बोलने का, तो वाकई बहुत ये कहते हैं भावुक मोमेंट है मेरे लिए। और सब उस रश्मि शर्मा को जानते हैं जो आपको रिपोर्टिंग करते हुए दिखाई देती है, उसके पीछे भी एक रश्मि शर्मा है, हम जानते हैं वो क्या है, लेकिन आज आपको दिखाते हैं वो रश्मि शर्मा, कैमरे के पीछे वाली रश्मि शर्मा क्या है। पहले आप अपने दर्शकों को बताइए, आपने कितने मुश्किलों से अपनी बेटी को पाला पोसा, वहाँ तक पहुँचाया। आशिया, अपने बच्चों को, बच्चों के लिए माँ बाप कुछ भी करते हैं, कई माँ बाप तो यहाँ सा कहते हैं ना कि बच्चों के लिए चोरी भी करते हैं उनको रोटी खिलाने के लिए, कई बार पिक्चर्स भी हमने ऐसी देखी हैं, पर खैर ऊपर वाले का शुक्रिया, ऐसा कुछ नहीं किया। पर मुश्किलें आती हैं आशिया, मुश्किलें बहुत आती हैं, पर ये ऊपर वाले का शुक्रिया है कि कई लोगों की दुआएँ हैं, गरीबों की, जो आज मेरी बेटी ने पहचान दे दी है, मेरे को नहीं बल्कि हर उस औरत का जात को जो अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए प्यार, त्याग, समर्पण करती हैं। तो कहते हैं ना, हर कामयाब मर्द के पीछे औरत का हाथ होता है, पर वो औरत है कौन, आज तक किसी को पता चला वो औरत है कौन, पर आज मैं कहती हूँ मेरी बेटी ने हर औरत जात को, पूरी समाज की औरतों को एक नाम दिया, एक पहचान दिया। हमेशा हम अक्सर देखते हैं, चाहे आप स्कूल के रिपोर्ट कार्ड्स देख लें, सर्टिफिकेट देख लें, हमेशा बेटी हो या बेटा उसके पीछे जो है अपने बाप का नाम रहता है, लेकिन मैं कैप्टन हंसजा शर्मा की भी तारीफ़ करना चाहूँगी। जब उन्हें वहाँ पर ट्रॉफी के लिए बुलाया गया, तब वहाँ पर उनका नाम क्या था? कैप्टन हंसजा रश्मि शर्मा, यानी माँ के नाम से उनकी पहचान है, और उस बेटी ने प्रूफ कर दिखाया कि अगर माँ ने कभी हिम्मत नहीं हारी, तो उस बेटी ने इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर अपनी माँ का नाम लेने के लिए हिम्मत नहीं हारी। और आज आपको बता दें कि हमने भी कभी कभार इन्हें देखा बोलते हुए, लेकिन जो इनके अंदर की रश्मि है ना, लोगों को उनको भी जानना चाहिए कि वाकई में वो रश्मि कौन है। बिल्कुल, एक आम इंसान हूँ, आप सब जैसे हूँ, एक आम औरत हूँ, परेशानियाँ हर किसी की ज़िंदगी में आती हैं आशिया, जो आपके व्यूअर देख रहे होंगे, जितना भी समाज के लोग देख रहे होंगे, हर एक की लाइफ में कोई ना कोई परेशानी आती है, पर उन परेशानियों को अपनी कमज़ोरी नहीं समझना, बल्कि उन परेशानियों को हिम्मत के साथ, ताकत के साथ लड़कर उसे आगे निकलना का नाम ही ज़िंदगी है। और मैं सच में कहती हूँ कि ऊपर वाले से दुआ करती हूँ, हर जन्म में हर माता पिता को हंसजा जैसी बेटी नसीब हो, बड़े किस्मत वाले लोगों को ऐसी बेटियाँ मिलती हैं। मैंने सुना जब वहाँ पर कहा जा रहा था कैप्टन हंसजा रश्मि शर्मा, पहले तो आपको पता ही नहीं चला कि वो आपकी बेटी का नाम ले रहे हैं, ऐसा क्यों? बिल्कुल सच में ऐसा हुआ आशिया, जब वो नाम ले रहे थे ना, मैं एक बार कंफ्यूज हो रही, मैंने कहा लिया, क्योंकि 33 में बताना चाहूँगी सॉरी कैट्स यानी कि कॉम्बैट आर्मी एविएशन ट्रेनिंग स्कूल, उसमें 33 का बैच था जिसमें सिर्फ 2 महिलाएँ थी, और अभी तक इंडिया में सिर्फ 4 महिलाएँ आर्मी एविएशन में, एयरफोर्स में हैं काफ़ी सारी, पर आर्मी एविएशन में सिर्फ 4
जो वुमेन ऑफिसर हैं पास आउट हुई हैं, और जिनमें इंडिया की पहली वुमेन ऑफिसर आर्मी एविएशन की, जिसे ये सिल्वर चीता ट्रॉफी मिला। और क्यों मिला वो भी बताना चाहूँगी। फ्लाइंग के दौरान यानी कि जो उसने ग्राउंड पास किया और अकेडमी किया, ओवरऑल जितने भी वो स्टूडेंट्स उनमें से फर्स्ट आई है, और इंडिया की पहली वीमेन है जिसे ये ट्रॉफी से नवाजा गया। और जब उसे वहाँ पर, वो कहती थी मुझे, मम्मा जी मैंने मेहनत की है, मुझे उम्मीद है कि मेरा सिल्वर चीता आएगा। हमने भी सोचा कि इतना टफ कंपटीशन है कहाँ, और एक लड़की है, लड़कियाँ कहीं सक्षम हर जगह हैं, पर फिर भी कहीं ना कहीं होती ना कि आज के दौर में भी फिर भी कहीं ना कहीं औरत फिर भी यानी कि मेल मेंबर से कमज़ोर ही मानी जाती है। तो मैंने कहा इतने सारे मेल मेंबर से कहाँ ही आएगी। पर उसने कहा था, क्योंकि जब मैं वहाँ गई, सब ने कहा मैम ये बहुत पढ़ती है, हम सोए होते हैं, ये प्रैक्टिस करती है, पढ़ती है, इसने कभी भी पीछे नहीं कदम उठाए। तो जब हम बैठे थे वहाँ, तो उन्होंने बोला हंसजा रश्मि शर्मा, जब 33 स्टूडेंट्स वहाँ पूरी उसमें परेड करनी थी उन्होंने, तो मैंने सोचा ऐसे ही है मेरे को, मैंने शायद मुझे गलती लगी, शायद किसी और का नाम भी होगा। जब उन्होंने कहा सिल्वर चीता ट्रॉफी गोज़ टू हंसजा रश्मि शर्मा, मैं कुछ नहीं कह सकती, स्पीचलेस। उस टाइम मेरे को समझ नहीं, मैं, मेरा मन करे मैं नाचूं वहाँ पे ना, इतने सारे ऑफिसर सारे बैठे, एक अलग मोमेंट था आशिया, वो मैं बता नहीं सकती क्या मेरे को फील हुआ, कि मेरी जितनी भी जिंदगी लाइफ में अगर मैंने परेशानियाँ देखी भी हैं, उन पर वो ज़ीरो होगी उसके आगे, बिल्कुल ज़ीरो होगी। एक सवाल है मेरा, अब बेटी जो है वो जहाज़ उड़ाती है, प्रैक्टिस के दौरान भी आपसे बात हुई थी लेकिन कभी मौका नहीं मिला आपसे बात करने का, लेकिन एक माँ होने के नाते, चलिए आप एक जर्नलिस्ट हैं, आपको पता है कि मेरी बेटी मैदान में उतरेगी, दुश्मनों का सामना करेगी, लेकिन फिर भी जो एक माँ वाला दिन है ना, इतना बड़ा दिल, कैसे समझाती है अपनी बेटी को, कैसे उड़ाना, कैसे नहीं, कुछ तो कहती होंगी। माता पिता ही अपने बच्चों का मॉरल सपोर्ट होते हैं, अगर मैं ही उसको डिमोरलाइज करूँगी तो मेरी बच्ची कैसे उड़ान भरेगी। मुझे डर लगता है आशिया, सच में कह रही हूँ, ऑनेस्टली कह रही हूँ, बहुत तकलीफ़ होती है कई बार, जब कई बार देखा आपने हमारे छोटे छोटे युवा जो हमारे एयरफोर्स के हों, या कई बार आपने देखा MiG-21 के कितने हाथ आते हैं, तो इन चीज़ों को सारे प्लेन क्रैश होते हैं, बहुत डर लगता है, बहुत ज़्यादा डर लगता है। कई बार मेरे वीडियो जर्नलिस्ट शुभ भगत, उनके साथ कई बार बैठे डिस्कस होता तो मैं रोने लगती हूँ, पर फिर एक चीज़ देखती हूँ कि नहीं, उसने जो चाहा ज़िंदगी में अचीव किया, ज़िंदगी और मौत ऊपर वाले के हाथ में है, अगर एक अच्छा लक्ष्य लेकर चल रही है, वो भगवान, वो अल्लाह, वो वाहेगुरु, वो माता रानी उस बच्ची की रक्षा करेगी, क्योंकि वो नेक नियति से गई है, वो अपने देश के लिए गई है, वो कहती है मैं देश के लिए हूँ माँ, वो साफ बोलती है, करती है मम्मा मैं देश के लिए हूँ, मैं सरकार के लिए हूँ और देश के लिए हूँ अपनी। तो डर लगता है, पर नहीं, मैं उसको कभी उसका मॉरल डाउन नहीं किया, मैंने उसको बोला बच्चे बहुत अच्छा कर रही है, फ्लाई सेफ और अच्छा करो और देश का नाम रोशन करो। जिसकी माँ ऐसी होगी तो सोचिए उसकी बेटी उड़ान क्यों नहीं भरेगी, अगर बेटी ने उड़ान भरी है ना तो ऐसे शब्द उसके पीछे हैं। एक बात मैं आपको कहूँगी इनकी बेटी के बारे में, इनकी बेटी इतना बिजी होने के बावजूद भी इन्हें गुड मॉर्निंग टेक्स्ट करना नहीं भूलती, वॉइस नोट भेजना नहीं भूलती, गुड नाइट बिल्कुल, सारी चीज़ें उन्होंने याद, कहाँ से पता कर लिया, सारी बातें जसूस हो क्या यार, कमाल है, जो मुझे पता ही आशी को कैसे पता, आशी वाकई मानना पड़ेगा यार, बड़े खतरनाक जसूस, पढ़ाई करके आना पड़ता, सच में लग रहा है पढ़ाई की है, हम फिर भी नहीं करते, करके आई है। सच में कह रही हूँ, मेरी बेटी ने मुझे कहा हुआ है मम्मा आपके गुड मॉर्निंग मैसेज से, वॉइस मैसेज से मेरी गुड मॉर्निंग शुरू होती है, और मेरे को आपके गुड नाइट मैसेज से मेरी गुड नाइट होगी। तो सवेरे मुझे स्पेशली जब उठती हूँ, आंखें खोलती ही अपना डाटा ऑन करती हूँ, तो पहले कहती हूँ गुड मॉर्निंग बच्चा, गॉड ब्लेस यू एंड ऑल द बेस्ट, यही कहती हूँ मैं। अच्छा, एक लाइन में एक ही जवाब देना, रश्मि शर्मा का सपोर्ट सिस्टम कौन है? मेरा सपोर्ट सिस्टम अगर बता दूंगी ना, मेरा सपोर्ट सिस्टम सच में कहती हूँ मेरे जो वीडियो जर्नलिस्ट हैं शुभम भगत, क्योंकि जिसने अच्छा किया होगा लाइफ में उसे आगे लाने में, उसका नाम लेने में डरना नहीं चाहिए, ना ही हिचकिचाना चाहिए, उन चीज़ों से बहुत ऊपर हूँ कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, पर हाँ जिसने अच्छा लाइफ में किया होगा आशिया, मैं उस समय में शुभम भगत मेरे साथ इस प्रोफेशन में आए थे जब मैं बिल्कुल अकेली हो चुकी थी आशिया, सच में कहूँगी आज वो पल ज़रूर शेयर करूँगी आपके चैनल के माध्यम से, कहते लोग कहते दबंग मतलब ख़तरनाक रिपोर्टर, पर हूँ आप जैसी आम इंसान हूँ, मेरे अंदर भी दिल है, दर्द हमें भी होता है, तकलीफ़ हमें भी होती है, परिवार में परेशानियाँ मेरी भी होती होंगी, पर वो समय भी देखा आशिया जब बस बुरा समय देखा कि जब एज ए सिंगल होने के नाते जब अलग हो गए मेरे हस्बैंड मेरे से, तो मेरे पास कुछ सोर्स ऑफ इनकम नहीं था, जहाँ पूजा करते हैं मंदिर में लोग पैसे चढ़ाते हैं, तो वहाँ से पैसे उठा के आटा लाती थी, बच्चों को रोटी बना के देती थी,
इवन कि अपने मायके में मेरे भाई हैं, मैंने उनको भी कभी इस चीज़ नहीं बताया, क्योंकि खुददारी शुरू से थी, मरना मंजूर था, किसी के आगे हाथ फैलाना मंजूर नहीं था। इवन के बच्चों को दूध भी नहीं देती थी, और मेरी इस बच्ची ने छोटी उम्र में ट्यूशंस पढ़ाई, साथ जाकर सवेरे जाती थी स्कूल, फिर कॉलेज गई, सुबह जाती थी 6 बजे 7 बजे घर आती थी, थकी हुई आती थी, वो सैनिक कॉलोनी होम ट्यूशन देती थी, मेरा साथ देती थी, मेरे पास मेरी इतनी इनकम नहीं थी, पर उस भूख का समय भी हमने आशिया देखा, मंदिर से पैसे उठाना, फिर रोटी बनानी, 3 या 4 फुलके मतलब टोटल बनने, एक एक फुलका ही आना। पर उस टाइम शुभम ने मेरा साथ दिया, उसके परिवार ने मेरा साथ दिया। उसके बाद शुभम जब आए तो मेरे साथ काम मिला, उसने कहा मैम आपको कभी भी मैं खाने की कमी नहीं होने दूंगा, खेती बाड़ी वाले लोग हैं, बड़ी मेहनत से अन्न उगाते हैं, पर इसके माता पिता को सल्यूट करती हूँ, शुभम को सल्यूट करती हूँ, अगर वो शायद मेरा साथ ना देता आज मैं यहाँ नहीं होती, मैं टूट चुकी होती कहीं ना कहीं। इसने पूरा मेरा सपोर्ट बनाया, सपोर्ट सिस्टम मेरा था, हर लड़ाई झगड़ा भी हमारे में बड़ा होता था पर इसने दुख सुख में मेरा साथ दिया, हर जगह मेरे साथ चला, हर परेशानी में मेरा साथ दिया, पर शुक्र है ऊपर वाले का कहीं ना कहीं नेकी थी जो मेरी आगे आई है। अगर शायद ना होता अकेली इंसान, अकेली औरत का इस समाज में जीना बड़ा मुश्किल आशिया, बहुत तकलीफ़ होती है, अकेला नहीं इंसान जी पाता, अकेला निकलना मुश्किल हो जाता है, समाज की नज़रों से, समाज के तानों से, समाज की बातों से बहुत कुछ कहा लोगों ने, कहा भी होगा जब इस लाइन में आई होगी, कहीं ऐसे लोग भी थे हमारी शायद लाइन के होंगे, मैं ये भी कहूँगी कई सारे कमेंट भी कसते थे ये क्या कर लेगी ये क्या करेगी, पर मैंने अपने लक्ष्य पर रखा कि अपनी एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी है, औरत किसी भी पहचान की मोहताज नहीं होती, औरत की खुद अपनी पहचान है, और जब अगर करने पे आ जाए तो अपनी पहचान बना ही लेती है और दूसरों को भी साथ लेकर चलती है। तो आशा उस दिन से तय किया था कि रश्मि शर्मा अपनी पहचान खुद बनाएगी। मैं शुक्रिया करती हूँ अपनी जनता का, आपके व्यूअर्स का, आप सबका, कि जिन्होंने मेरा साथ दिया, जिन्होंने मेरे पे प्यार दिया, जिन्होंने हमेशा अपना आशीर्वाद रखा। पर हाँ एक आशी एक चीज़ मैं ज़रूर बोलूँगी, हमारे काम में अगर गलती होती है आपको आपको हक है, आप उस गलती बता सकते हैं, हमें दिखा सकते हैं, पर अपनी पर्सनल लाइफ में मैंने किसी को अधिकार नहीं दिया, चाहे वो मेरा अपना भाई हो, चाहे मेरा अपना रिश्तेदार हो, चाहे मेरा कोई कुलीग हो, चाहे कोई मेरे व्यूअर हो, कि मेरी पर्सनल लाइफ में कोई घुसेगा या उस पर कमेंट करेगा। ये साफ तौर पर मेरा क्लियर फंडा है, ना हम किसी की पर्सनल लाइफ में घुसते हैं, ना किसी को कमेंट कर सकते हैं, ना जाने कोई इंसान किस परेशानी में होगा, किस परेशानी में उसने ज़िंदगी में आगे बढ़ा होगा, हमारे कमेंट से ना जाने उसके दिल पर कितनी बड़ी ठेस होगी। ये चीज़ें हमने सीखी हैं ज़िंदगी से, इसीलिए कहते हैं कुछ भी सोचे समझे बिना किसी की भी लाइफ पर कमेंट मत कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन इन्होंने हमें अपना वक्त दिया, हमें पता था कल हमें नहीं मिलेगा, इसीलिए हमने कहा कि चलो आज मिल गई है मैम। मैं आपको बता दूं कि एक सिंगल मदर होने के नाते इन्होंने अपने बेटे की परवरिश भी खुद की है, बेटी की परवरिश भी खुद की है, और जब एक औरत टूट के निखरती है ना, फिर वो रश्मि शर्मा जैसी होती है, और जो इनका टाइटल है ना दबंग रश्मि शर्मा, वो हमेशा ही रहेगा हमारी इस फील्ड में, दबंग रश्मि शर्मा।